और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे ग्वालियर की। ग्वालियर में बाइक चोरी की घटना का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें खुद चोर ने दीवार पर लिखकर चोरी हुई बाइक का पता लगा लिया है। बता दें कि करीब 8 महीने पहले जनकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा के घर के बाहर से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन पुलिस चोर को पिछले 8 महीनों में भी नहीं पकड़ सकी। लेकिन इस बीच अब खुद चोर ने बाइक मालिक के घर की दीवार पर लिखकर बाइक का पता बताया है। चोर ने दीवार पर लिखा कि बाइक उत्तर प्रदेश के औरैया में कोतवाली थाने में खड़ी हुई है। इसके बाद जब सिद्धार्थ शर्मा ने औरैया जाकर कोतवाली थाने में देखा तो उसकी बाइक खड़ी मिल गई। अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही सिद्धार्थ को उनकी बाइक 8 महीने बाद फिर मिल सकेगी। तो लगता है पूर्वा शायद चोर को पछतावा हो गया था अपनी इस करतूत के बाद, और यही वजह है कि 8 महीने के बाद उसने खुद ही बाइक का पता बता दिया। फरियादी की दीवार पर ले जाकर संदेश लिखा है, बताया कि औरैया में, उत्तर प्रदेश के औरैया में थाने में ये बाइक खड़ी है। ऐसे में ग्वालियर की पुलिस भी थाने पहुंची है और अब 8 महीने के बाद आखिरकार बाइक के मालिक को उसकी बाइक वापस मिलने वाली है। लगातार उसमें पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही थी। अभी जो है फरियादी ने फिर आके थाने में सूचना दी है कल परसों कि उनकी दीवार पे कोई व्यक्ति लिख गया है कि उनकी मोटरसाइकिल जो चोरी गई मोटरसाइकिल यूपी के औरैया थाने में खड़ी हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने वहां के थाना प्रभारी से बात की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मैं चेक करके बताता हूँ और इस संबंध में जाँच की जा रही, विवेचना की जा रही है कि जो इस टाइप से जो दीवार पर लिखा है वो किस व्यक्ति ने लिखा है और इस संबंध में तस्दीक कर उचित कार्रवाई की जा रही है।